अभी हम बात करने वाले हैं मोटोरोला मोटो जी 85 5G फ़ोन के बारे में, जिसकी प्राइस करीब 18,000 रुपये है। और इसमें देख सकते हैं आप कि सब कुछ फीचर आपको देखने को मिलेगा। और इतने सस्ते प्राइस रेंज में आपको दूसरा मोबाइल देखने को नहीं मिलेगा। इसमें देख सकते हैं दो वेरियंट आते हैं, एक होता है 8 GB रैम का और दूसरा होता है 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल मेमोरी के साथ। इसकी फीचर की बात कर लेते हैं, इसमें जैसे कि मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं करेगा और जो इसमें है स्नैपड्रैगन 6th Gen 3 चिपसेट है, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर पे काम करेगा। और 5000 mAh की बैटरी है जो कि 33 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करेगी। इसमें कैमरा सेटअप जो होने वाला है 50 MP और 8 MP का डुअल रियर कैमरा होने वाला है और 32 MP का फ्रंट कैमरा होने वाला है, जो एंड्रॉयड वर्जन है 14 पे काम करेगा। और जो इसकी थिकनेस होने वाली है 7.59 mm होने वाली है और जो इसका वेट होने वाला है 172 ग्राम होने वाला है, जो कि लाइट वेट होने वाला है। डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और इसमें स्क्रीन की बात करें, डिस्प्ले की बात करें तो PLOD स्क्रीन है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन मिलता है। इसमें आपको 128Hz का रिफ्रेश रेट है और 360Hz का टच सैंपलिंग रेट है और इसमें पंच होल डिस्प्ले है। कैमरे की बात करें कि कैमरा सेटअप इसमें 50 MP और 8 MP का रियर कैमरा है, जो कि OIS है, इससे आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरा है 32 MP का, जो कि सोनी का है। जैसा कि इसमें दो वेरियंट आते हैं, 8 GB रैम और 12 GB रैम का। इसमें 8 GB दोनों में वर्चुअल रैम होने वाला है। चिपसेट की बात करें तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6th Gen 3 काम करने वाला है, जो कि बहुत फास्ट फोन होने वाला है। इसमें आपको 3G 4G 5G देखने को मिलेगा और इसमें ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिलेगा आपको। बैटरी आपको 5000 mAh की देखने को मिलेगी और 33 वाट का आपको टर्बो पावर चार्जिंग मिलेगा। इसमें आपको FM रेडियो और वाटर रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। और हम डिटेल से देख लेते हैं इसके स्पेक्स के बारे में। जैसा कि ये 10 जुलाई को लॉन्च हो चुका है, इसमें आप देख सकते हैं हैंडसेट आएगा और बॉक्स के अंदर और 33 वाट का चार्जर आएगा। इसमें केबल आएगी, इसमें गाइडेंस आएगी, सिम टूल आएगा, प्रोटेक्टिव कवर आएगा। इसमें देख सकते हैं 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगा आपको। इसमें सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें स्टोरेज टाइप UFS 2.2 दिया गया है। इसमें बहुत सारे 5G बैंड दिए गए हैं, जिससे आपको अच्छी कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। ब्लूटूथ 5.1 दिया गया है, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 3.5 mm का जैक भी दिया गया है। IP52 की रेटिंग है। इसमें एक्स्ट्रा फीचर आप देख सकते हैं, सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे और हर चीज़ अपग्रेडेबल है, तो आपको यहाँ पे 1 साल 3 साल का अपडेट मिलेगा। 50 MP का जो है वाइड एंगल कैमरा है और 8 MP का अल्ट्रा वाइड है। कैमरे में भी आपको सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। इसमें कस्टम UI MIUI काम करेगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं सब कुछ, आप इसका स्ट्रक्चर देख चुके हैं, ये जिस प्राइस रेंज में आता है बहुत अच्छा फ़ोन होने वाला है। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा।